और बलरामपुर जिला मुख्यालय में किसान भूख हड़ताल के बाद आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। भाजपा के आज मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम ने किसानों से मुलाकात की और अपने हाथों से जूस पिलाकर उनके अनशन को तोड़वाया है और राज्य सरकार पर निरंकुशता का आरोप लगाते हुए कहा कि जल्द मुआवजे का वितरण किया जाएगा और सांसद ने जल्द कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। लोग माननीय रामविचार नेताम जी को अपने पास में पाके बहुत खुश हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि अभी दीपावली से पहले मेरी बात हो गई है माननीय यहाँ के प्रभारी जो सचिव हैं सुबोध सिंह जी उनसे और यहाँ बलरामपुर के कलेक्टर साहब महोदय से कि दीपावली से पहले पहले पूरे जितने किसान प्रभावित किसान हैं उनका मुआवजा वितरण कर दिया जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमें आश्वासन दिया गया है और हमने जो निर्देश दिया है उसके आधार पर सभी किसानों का मुआवजा वितरण होगा।